गांव के दुख में गरीब के काम आ रहे थे, वही प्रेरणा आपको जनप्रतिनिधि बना, जिसने तथा कथित अधिकारी बनकर के टाई कोट पहनकर श्रेष्ठ मानते अपने को नहीं भैया, आप श्रेष्ठ चुके, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है, इसलिए आपका सम्मान है। अभी दो दिन पहले एसपी यहाँ के एडिशनल एसपी हमीरपुर मेरे, आप कई जिलों में पीएसई रहे, कई जगह कई जिलों में रहे हो, अन्य जिलों में यहाँ में क्या फर्क है? बोले भैया हमीरपुर जिले में प्रतिदिन 4 केस आत्महत्या के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पहला प्रदेश है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है आपके जिले में, मेरे जिले में, अपने जिले में, ये किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए इस जिले में गांव गांव के प्रतिनिधि आप हैं, बीटीसी मेंबर बैठे हैं, ग्राम प्रधान बैठे हैं, जिला पंचायत बैठे हैं, ब्लॉक प्रमुख बैठे हैं, सब बड़े लोग बैठे हैं, नगर पंचायत के लोग बैठे हैं। मेरा बहुत गहरा और विनम्र निवेदन है सबसे मिलकर के, मंच बहुत मंच बड़ा गहरा, क्यों आपके जिले में घटनाएं हो रही है? नौजवान लड़के हैं, लड़की है, स्त्री है, पुरुष है, किसान आपका नहीं कर रहा है, यहाँ का नौजवान क्यों आत्महत्या कर रहा है? एवं जमीन को जिले में चार आ रहा है, चार बहुबा का यही मंत्रालय मिला करके, यानी 8-10 मेरे नौजवान प्राण त्याग रहे हैं, क्यों? समझना पड़ेगा, गहरा विषय, गंभीर विषय, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के सोचे समझे, कोई पत्र लेकर के विधायक सांसद जी सब लोग गली गली गांव गांव निकले, 10-20 घर के बाद कोई खंडर कोठी और घर बड़े बड़े घर दिखाई दे रहे थे, नगर पंचायत अध्यक्ष सुमेरपुर, श्रीमती आशा रानी कवि नगर पंचायत अध्यक्ष पुरारा, श्रीमती अनिता राजपूत नगर पंचायत अध्यक्ष गुहान, मैं अनुरोध करूंगी मंच पर श्री संतोष कुशवाहा जी पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, संतोष कुशवाहा जी, श्री कमलेश जी, श्री हनुमान मंदिर इतरा सेवा समिति अध्यक्ष सुमेरपुर से आपका भी मंच पर स्वागत है, संगम सेवा समिति अध्यक्ष सुमेरपुर से श्री अजय प्रजापति जी आपका भी मंच पर स्वागत है, शनिश्वर मंदिर समिति प्रबंधक सरीला से श्री दिनेश अग्रवाल जी आपका भी सम्मान हेतु मंच पर स्वागत है, और प्राणी संरक्षण सेवा समिति अध्यक्ष महोबा से श्री पंकज दीक्षित जी आपका भी मंच पर स्वागत है। प्राणियों के प्राण की रक्षा करना, इनकी देखरेख करना, इनकी सेवा करना, ये हम सब को इसके विषय में जागरूक करते हैं और स्वयं इनकी सेवाओं में ये समर्पित हैं। श्री पंकज दीक्षित जी, सहकारी समिति सुमेरपुर से राम बिहारी जी जो कि निदेशक हैं, साधन सहकारी समिति सुरहा करबई अशोक तोमर जी और निर्भाल सिंह जी, सहकारी समिति छानी बुजुर्ग श्री राम बलि सिंह जी प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, रीवन समिति की अध्यक्ष श्रीमती देवी सिंह जी कृपया आप भी मंच पर पधारे, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का नाम ले रही हूँ, कृपया आप एक एक करके आए, पहले पुष्पांजलि अर्पित करें और फिर आप मंच पर अपना सम्मान ग्रहण करें। ब्लॉक
बड़ोखर खुर्द, ब्लॉक बड़ोखर खुर्द, कनवारा बीडीसी श्री रतिराम जी, गंचा बीडीसी श्री ललन जी, इटवा प्रधान श्री सुरेश कुमार जी, इटवा बीडीसी श्री रज्जू जी, अचरौन बीडीसी श्री शिव प्रसाद जी, श्री वीरेंद्र जी, हथौड़ा बीडीसी श्री दिनेश कुमार जी, उजरेटा बीडीसी श्री मेड़वा जी, छिंगराव बीडीसी श्री तेजवरी सिंह जी, बांदापुरवा बीडीसी श्री राम प्रकाश जी, दुरेड़ी प्रभाष जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।